140 करोड़ देशवासी हैं मोदी जी का परिवार, जिनके लिए वे दिन रात बिना थके बिना रुके नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ काम करते हैं। बीते 10 साल सेवा, समर्पण और संकल्प के रहे हैं, जिसमें देश ने अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। रोड, रेल, एयर, वाटर, हाईवे, हर कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत होते देखा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए। देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग और बेहतर हो, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। विकसित करने की दिशा में आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे सहित 114 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। 29 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 563 लेन किलोमीटर होगी। इस पर 4 किलोमीटर लंबा 8 लेन टनल, सिंगल पिलर पे 8 लेन फ्लाईओवर, क्रॉस रोड अंडरपास, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से IGI एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। 112 परियोजनाओं में शामिल हैं नरेनपुर से पूर्णिया खंड, जिसके लोकार्पण से यहां आवागमन बेहतर होने के साथ ही यहां की उपज जैसे कि मखाना, जूट व मक्का की मंडियों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। चंडीगढ़ रूपनगर मंडी मनाली कॉरिडोर के अंतर्गत कीरतपुर से नेर चौक खंड तक 4 लेन के लोकार्पण से हिमाचल के सेब को पूरे देश की मंडियों तक तेज ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज का भी शिलान्यास आज हो रहा है। इसके पूर्ण होने से बेंगलुरु और विजयवाड़ा के बीच यात्रा की दूरी लगभग 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। पूरे देश में विकसित होते इन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से 21वीं सदी के भारत के लिए मजबूत रोड नेटवर्क तैयार होगा। लोगों की आवाजाही बेहतर होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, कृषि और उद्योग उत्पादों की नई मंडियों तक तेज होगी, पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, पोर्ट कनेक्टिविटी और बॉर्डर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, रोजगार के नए आयाम खुलेंगे और आर्थिक सामाजिक विकास को बल मिलेगा। सतत विकास, समग्र विकास और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार होते ऐसे ही ठोस प्रयासों से तो बनी है मोदी जी की गारंटी।